अच्छा, दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका ये है, आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, होलसेल सेंट्रल। होलसेल सेंट्रल डॉट कॉम पर आप आएंगे। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, अमेज़ोन के FBA सप्लायर्स, जो ये वो सप्लायर्स हैं जो डायरेक्टली अमेज़ोन पे भी आपको जो है माल पहुँचा देंगे, ये वो सप्लायर हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स आ रहे हैं। यहाँ पे वही चीज़ जो USA के होंगे, हमें वो चाहिए। USA। एक एक करके जो है हम सप्लायर्स को ओपन करेंगे। नए टैब में ओपन कर लिया मैंने, इसकी वेबसाइट पे गया, इसको ईमेल करनी है, क्या करना है वो सारी चीज़ें मैंने देख ली। अब ये तो वही तरीका हो गया, मतलब दूसरी एक वेबसाइट बता दी जहाँ से आप सप्लायर ढूंढ सकते हो। यहाँ तक आपने ढूंढे, एक पेज आपका कंप्लीट हुआ, आप जाएँ नेक्स्ट पेज पर जाके इसको वो करें, ठीक है। ये दो वेबसाइट्स हैं जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हो। आपने एक एक करके इनकी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे आप आए, इसको अप्लाई करने का ऑप्शन क्या है, या तो होलसेल का अकाउंट है, या कॉन्टेक्ट में जाना है, या फिर जो है उसकी ईमेल देख के उसको ईमेल करनी है। वो सारे तरीके आपने सीख लिए, वही तरीके यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ये हो गया। अच्छा, अब बारी आती है कि हमने ये पढ़ा था कि हम जिनको अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह को, तो वो हमें एक इन्वेंट्री शीट भी देते हैं, प्राइस शीट भी होती है। वो कैसे होती है? अब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको बाय डिफॉल्ट वेबसाइट पे दे देते हैं। अब इसको अगर हम देख लें, यहाँ पे ये देखें, ये आपको जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटलॉग 10,000+ प्रोडक्ट। आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके पास फाइल डाउनलोड होगी। अच्छा, ये पैलेट फ्लाई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिससे ये शीट आपको देगा। अच्छा, अब जो है मसला ये है कि इसकी वेबसाइट अक्सर जो है ना थोड़ी डिले चलती है, तो इसको अभी आप छोड़ दें, मैं आपको कोई और दिखाता हूँ। अब ये है नेक्स्ट डील, एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इनसे हमने परचेजिंग भी की है। एक इन्वेंट्री हमने $4,500 की परचेज की थी, एक इन्वेंट्री $4,000 की परचेज, तकरीबन $8,500 की हम इनसे परचेजिंग कर चुके हैं। समटाइम्स अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं खोलता ना, तो आप इनको वापसी नए टाइम जाके खोल के देखो, हो सकता है इनकी वेबसाइट पे मेंटेनेंस का काम चल रहा होगा जिस वजह से नहीं हो रही होगी। अब ये देखिए, पहले फ्लैग की शीट अब डाउनलोड की। अब ये नेक्स्ट डील खुल रहा है, ये नेक्स्ट डील भी ऐसा सप्लायर है जो कि आपको वेबसाइट पे ही जो है ना शीट दे देता है। ये जब तक हो रहा है मैं आपको एक और बताता हूँ। डेलिस होलसेल एक सप्लायर है जिसकी वेबसाइट पे आप जाते हो, कहाँ गया ये, आप इसकी वेबसाइट पे जाते हो, ये अब आ गई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने इसको क्लिक किया, ये आपके पास शीट आ गई। अब ये कौन सी शीट है जिसके लिए हम इनको ईमेल करते हैं, अप्रूवल लेने की कोशिश करते हैं कि डिस्काउंट प्राइस में हमें दे दो शीट। अब इसने वो शीट आपको ये ऑनलाइन दे दी, ठीक है। अब ये शीट आपको इसने दे दी, हमें यही शीट तो चाहिए थी जो मैंने आपसे कहा था कि हम उनको ईमेल करते हैं, अप्रूवल लेते हैं, डिस्काउंट प्राइस में शीट लेते हैं, तो वो शीट हमें चाहिए होती, इसने हमें शीट दे दी। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे जो आपको वेबसाइट पे ही डायरेक्ट दे देंगे शीट। अब ये देखें, ये नेक्स्ट डील है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट इन्वेंट्री, आपने इसको क्लिक किया, ये डाउनलोड हो रही है, इसकी भी शीट आ गई। पैडेड फ्लाई, प्लेट फ्लाई की भी शीट आ गई, नेक्स्ट डील की आ रही है। ये आपके पास कंप्यूटर का जो एक्सेल है उसमें ओपन होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कीप ऑफ फिल्टर की जो है हम शीट डाउनलोड करते हैं तो उसमें आती है, उसमें कंप्यूटर के लैपटॉप में एक्सेल में आ जाती है। मेरे पास अभी एक्सेल नहीं है, इस पर नहीं खुलेगी। आप क्या करेंगे, इस तरह की शीट आपके पास आ गई, ठीक है। बस ये शीटें आपको जमा करनी है, बाद में जब हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला नहीं, इससे आगे एक और टॉपिक होगा जिसमें बीच में कोई टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक है, जिसमें हम ये जो है ना शीटें स्कैन करेंगे। अब ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें, 1,028 प्रोडक्ट्स। तो इसको जो है हम स्कैन करते हैं, स्कैन करके जो है हम ये देखते हैं कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कौन सी प्रोडक्ट है, उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है।
तो वो अभी हम नहीं सीखेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे, अभी बहुत हैवी हो जाएगा आपका टॉपिक। तो इस तरह से हमें शीटें दे दी, अब इसने क्या दिया, अमेजोन का एसिन दे दिया, योर प्राइस हम आपको इतने डॉलर की ये प्रोडक्ट देंगे, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये है, ब्रांड का नाम ये है और लिस्टेड ऑन अमेजोन, अमेजोन पर कितने की बिक्री है, $20 की, वो कितने की दे रहा है, $9 की, अगर आपको प्रॉफिट दे रही होगी तो आप लोगे, $10 की प्रोडक्ट दे रहा है या अमेजोन पर बिक्री $21 की, $22 की, इस तरह से इसने डिस्काउंटेड प्राइस में शीट दे दी। तो आपके पास कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, ये यहाँ पे जब आप इसकी वेबसाइट में आएंगे, यहाँ पे कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक एक करके इनको एक्सप्लोर करो, जिन्होंने इस तरह से शीट दी हुई है, ऑप्शन दे दिया है, जिन्होंने इस तरह से यहाँ पे दे दिया है, जिन्होंने जो है यहाँ पे इस तरह से दे दिया है, ये आ गया, इसने डाउनलोड दे दी आपको, ये आ गया, यहाँ से इसने शीट डाउनलोड कर दी, और एक डेलिस था जो कि इसने आपको इस तरह से शीट दे दी, ये शीटें आपको जमा करके अपने पास शॉर्ट लिस्ट करनी है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करके हमें जो है प्रोडक्ट्स को मतलब शीटें जमा करनी है, उनसे अप्रूवल लेनी है, वो हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें जमा करेंगे, ये हो गया, ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटर का टॉपिक। इस तरह से इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसको आपने एक्सप्लोर करना है वेबसाइट पे जाके, अगर इसकी शीट वहीं पे मौजूद है कि डाउनलोड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है हम इनको ईमेल करेंगे या होलसेल का फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे या कॉन्टैक्ट सबमिट करेंगे।